वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, राधे रानी की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण पंडित श्रीकांत शर्मा जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मथुरा की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, मान्य विधायक गण श्री पूरन प्रकाश जी, श्री कारिंदा सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, महापौर श्री मुकेश आर्य बंधु जी, चेयरमैन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक चौधरी तेजवीर सिंह जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड श्री रविकांत गर्ग जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, सीआरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला के अध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी, कोऑपरेटिव बैंक मथुरा के चेयरमैन श्री मेघ श्याम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, विभिन्न लोक कलाओं के साथ यहां पर उपस्थित सभी कलाकार और उपस्थित भाइयों बहनों, आज इस ब्रजरस उत्सव 2021 के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं ब्रज की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ब्रज क्षेत्र का एक एक रज हम सबके लिए बहुत ही पावन है, पवित्र है और पूज्य संतों के सानिध्य में हम सबको यहां पर वृंदावन बिहारी लाल और राधे रानी की कृपा से, यमुना मैया की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि 2021 के प्रारंभ में वैष्णो कुंभ के कार्यक्रम में भी मुझे इसी पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वैष्णो कुंभ सफलता की उन नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता अगर पूज्य संतों का आशीर्वाद और मंच पर बैठे हुए हमारे मंत्री और जनप्रतिनिधि
अगर अपना सहयोग ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ नहीं देते तो अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। और उस चुनौती में भी कोरोना महामारी हम सबके लिए और भी कठिन परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन वृंदावन बिहारी लाल की अत्यंत कृपा, राधे रानी की कृपा से, यमुना मैया की कृपा से गो सेवा का जो अद्भुत कार्य इस ब्रज क्षेत्र में होता है, गौ मैया की कृपा से और पूज्य संतों के आशीर्वाद से पूरा आयोजन जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ संपन्न हुआ वो अपने आप में अभूतपूर्व था, अभिनंदनीय था। और आज हम सबको एक बार फिर से इस ब्रजरस उत्सव 2021 के आयोजन के साथ यहां जुड़ने का आनंद प्राप्त हो रहा है। आपने यहां पर देखा है भारत सरकार की ओर से ये हुनर हाट का भी आयोजन किया गया है। ये ब्रज रस महोत्सव के लिए मुझे लगभग एक माह पहले माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फोन करके अवगत कराया था कि हम लोग एक इस प्रकार का आयोजन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में यहां पर आया है। वे जब से यहां की सांसद हैं वे यमुना मैया की अविरलता और निर्मलता को लेकर के निरंतर आवाज उठाती रही है। वो यहां पर निरंतर इस पूरे क्षेत्र में वृंदावन बिहारी लाल की उन लीलाओं को लेकर के कैसे यहां के एक एक तीर्थ स्थल को विकसित किया जाना चाहिए, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के निरंतर न केवल उस चिंतन के साथ डूबी रहती हैं, बल्कि उन कार्यक्रमों को जब मौका मिलता है, मंच मिलता है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास भी करती हैं। और उसी में प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण श्री श्रीकांत शर्मा जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, हमारे विधायकगण श्री कारिंदा सिंह जी, पूरन प्रकाश जी, ये सभी लोग जब मिलकर के इस अभियान के साथ आगे बढ़ते हैं तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद का तो गठन ही इस बात को लेकर किया गया है जिससे ब्रज क्षेत्र के तीर्थ के महात्म को हम लोग पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर प्रचारित प्रसारित भी कर सकें और साथ साथ यहां आने वाले हर एक श्रद्धालु को उस प्रकार की सुविधा भी दे सकें। हर एक व्यक्ति जब मिलकर के कार्य करता है तो परिणाम सामने आता है। और मुझे प्रसन्नता है ब्रजरज उत्सव 2021 के साथ भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा हुनर हाट को भी जोड़ा गया है। आपने अभी यहां पर एक भजन सुना है, वे गुजरात से आए हैं और पूज्य मुरारी बापू के सानिध्य में एक लंबे समय तक उन्होंने भजन कीर्तन और इस प्रकार के गायन के साथ अपने आप को जोड़ करके अपनी प्रतिभा को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में जो योगदान दिया है वो अभिनंदनीय है। मैं देख रहा था जब यहां पर उनका भजन जैसे ही प्रारंभ हुआ वो तो एक छोटी सी एक झलक थी, अभी तो सायंकालीन सत्र में जब उनके भजन यहां पर होंगे तो पूरा क्षेत्र ही अपने आप में उस आनंद में डूब जाएगा। मैं देख रहा था कि मुश्किल से 3 से 5 मिनट की अवधि के दौरान पूरा ये क्षेत्र, ये पंडाल
अपने आप में उस भजन के साथ थिरकता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या नौजवान हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या संत हो, क्या फिर सामान्य भक्त हो, सभी लोग संगीत की इस महिमा के साथ थिरकते हुए दिखाई दे रहे थे, भजन की इस महिमा के साथ भक्ति रस में डूबते हुए दिखाई दे रहे थे। यही तो इस धरती का महात्म है। और हमने तो इस धरती के उस महात्म को रसकान के मुंह से भी सुना है, जिन्होंने इस ब्रज क्षेत्र में मनुष्य के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, या जिस भी रूप में उन्हें रहना पड़े, लेकिन कहीं रहना पड़े, इस धरती पर तो इस ब्रज क्षेत्र में रहना पड़े। और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपको तो जन्म लेने का, सेवा करने का, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का सौभाग्य इसी धरती पर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसमें कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं हो सकती। आप याद करिए, हजारों वर्षों का एक लिखित इतिहास आपके हाथों में रहता है इस क्षेत्र का। दुनिया के अंदर इतना प्राचीन इतिहास किसी के पास नहीं। ये लोक गाथाओं के साथ, यहां की कलाओं के साथ, यहां के संगीत के साथ, यहां के एक एक कण कण के साथ, रज रज के साथ, वह सब कुछ रचा बसा है। और उस पवित्रता का भान हम सबको सदैव रहना चाहिए। इसकी पवित्रता को बनाए रखना हम सबका दायित्व तो बनता है। और आज मुझे प्रसन्नता है, ब्रज रस के इस उत्सव के साथ देश के हुनर को भी एक मंच दिया गया है। प्रतिभा जाति मत मजहब की मोहताज नहीं होती, वैसे ही जैसे रसकान किसी जाति, किसी मत और किसी मजहब के मोहताज नहीं थे, वह तो भगवान कृष्ण के भक्ति में ऐसे डूबे हुए थे, ऐसे अपने आप को समाहित कर लिए थे। मैं यहां पर देख रहा हूं बहुत सारे संतों को भक्ति रस में वह इस कदर डूबे हुए हैं, इस कदर डूबे हुए हैं, उन्हें स्वयं के अपने भौतिक अस्तित्व का एहसास नहीं है। और मुझे लगता है यह भक्ति की पराकाष्ठा है। प्राकाष्ठा की इस स्थिति में मैं उन सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनकी इस पवित्र साधना को नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, वैसे ही जब आप इस यहां पर इस आयोजन के साथ आएंगे, आपने देखा होगा पिछले वर्ष ब्रज तीर्थ विकास परिषद स्थानीय प्रशासन ने हमारे यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस पूरे क्षेत्र को इस प्रकार के महोत्सव के लिए आरक्षित करवाया है। इसको सुरक्षित रखना, इसको संरक्षित रखना और इस प्रकार के आयोजनों के साथ हमेशा इसको जोड़े रखना यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और मेरा आपसे अनुरोध होगा, ये जो हुनर हाट यहां पे लगा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में हमें कुछ मंत्र दिए थे, याद करिए, दुनिया के अंदर कोई दूसरा नेता, कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष अपने नागरिकों के साथ इतने निकट से संवाद नहीं बनाया जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया था। एक एक व्यक्ति के साथ, हर एक व्यक्ति के जीवन को बचाने की चिंता भी और उनकी जीविका को बचाने की भी चिंता। और उस समय उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री अन्न योजना की घोषणा की,
फिर जनधन अकाउंट धारी जितनी भी महिलाएं थी उनके खाते में एक निश्चित रकम देने की व्यवस्था की, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, किसान सम्मान निधि, इन सबके खाते में धनराशि की व्यवस्था भी करवाई। और भाइयों बहनों, अंत में एक नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं ये हुनर हाट में आए हुए जितने भी हस्तशिल्पी और कारीगर है ना, ये सब आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने वाले हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, अलग अलग चीजें इनके पास है। एक बार देखिए तो कितना समृद्ध है हमारा उत्तर प्रदेश भी और हमारा भारत भी इस परंपरा के साथ। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये ब्रज तीर्थ है, इसमें आए हुए जितने भी हुनर हाट हैं, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी कला उस कालखंड से जरूर जुड़ती होगी जब भगवान श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र में अपनी लीला को रचा होगा। हमारे लिए तो वहां अद्भुत एक अनमोल रत्न होगी। और ठीक है, वस्तु आज बन रही है लेकिन कला तो उतनी पुरानी है, उस समय की वो कला को आज भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबके सामने प्रस्तुत करता जा रहा है। हो सकता है इस पीढ़ी दर पीढ़ी के एक लंबे अंतराल में उसको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो, हो सकता है उसकी उपासना विधि भी बदल गई हो, लेकिन कला अपनी बची हुई है। उस कला को लेकर के आज फिर वह यहां पर आया है और उस कला का सम्मान किया जाना चाहिए, उस कला को समाहित किया जाना चाहिए और उस कला को अपने साथ जोड़ करके एक बार फिर से इस ब्रज तीर्थ के साथ जोड़ करके सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। भाइयों बहनों, यहां पर जो एक कार्यक्रम हो रहा है, एक लंबे समय तक एक कार्यक्रम चलेगा और मुझे लगता है कि लगभग 9-10 दिनों तक ये कार्यक्रम यहां पर चलेगा। अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियां भी होंगी और फिर आपको तो कला की प्रस्तुति में आपको चिंता की बात ही नहीं जब हेमा मालिनी जी स्वयं इस कार्यक्रम को स्वयं इसका संयोजन कर रही हो, तो वे तो स्वयं अपने आप में एक अद्भुत और उत्कृष्ट कलाकार हैं ही, कला की पारखी भी है। उसको स्वयं कैसे आगे लेके जाना है, यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति और यहां की विरासत को सजोए रखते हुए कैसे इसको आगे बढ़ाना है, स्वयं वह इसकी चिंता कर रही हैं। मैं इस अवसर पर बहुत लंबा वक्तव्य नहीं देना चाहूंगा, मैं तो केवल इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहूंगा कि यहां पर जो विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें विभिन्न राज्यों के 150 शिल्पी, 50 पाक कला विशेषज्ञ और अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने उत्पाद को यहां पर बेचेंगे। वस्त्र मंत्रालय के द्वारा भी यहां पर 200 स्टॉल शिल्प कला के अंतर्गत लगाया गया है और यहां पर हमारे जो सभी प्रमुख कलाकार आएंगे उनके द्वारा अपनी प्रस्तुति तो होगी ही, यमुना मैया की महिमा को लेकर के भी यहां पर कार्यक्रम होंगे और लेजर शो का भी यहां पर प्रदर्शन करने की कार्रवाई ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा होगा। भाइयों बहनों, राज्य सरकार ने वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, राधाकुंड, गोकुल और बलदेव को पहले ही तीर्थस्थल घोषित किया है। ये हमारे सभी पवित्र तीर्थस्थल हैं
और इन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों के साथ हम सब यहां विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। यहां पर अब तक 425 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने धरातल पर उतारने का कार्य किया है। यानी इस पूरे पवित्र स्थल को यहां की पुरातन काया को बनाए रखते हुए नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करना, यह ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां के हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में निरंतर कार्य कर रहा है, जिसमें गोवर्धन और वृंदावन की परिक्रमा मार्गों का विकास, पौराणिक कुंडों का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण, वृंदावन में पर्यटक सुविधा केंद्र, गीता शोध संस्थान, ऑडिटोरियम और अन्नपूर्णा भवन का निर्माण, मथुरा में जुबली पार्क में ऑडिटोरियम तथा मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण, मुक्ताकाशी मंच का पुनर्निर्माण, गोकुल में घाटों का सुंदरीकरण, रसकान समाधि का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण, चिंताहरण महादेव घाट का सौंदर्यीकरण तथा बरसाना तथा नंदगांव में पर्यटकों की सुविधा हेतु अनेक विकास कार्य, ब्रज की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद निरंतर प्रयत्नशील है और उस दिशा में जो कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, अभी आपने दीपावली के दिन देखा होगा अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन कैसे होना चाहिए, आयोजन हमारे तीर्थ कैसे जगमगाने चाहिए, अयोध्या की दीपावली आप सबने देखी होगी। अभी 19 नवंबर को काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम पर देव दीपावली का आयोजन उसी भव्यता के साथ होगा। और भाइयों बहनों, बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम भी हमें हर साल उसका आनंद लेने का अवसर प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी मुझे स्वयं इस बार यहां दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये सब हमारे गौरव है, हमारी विरासत है, हम सब इस पर, हमें अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं ब्रजरस उत्सव 2021 के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में इस आयोजन से जुड़े हुए सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। इस पूरे महोत्सव की सफलता की कामना करता हूं, इसके प्रति अपनी शुभकामना भी व्यक्त करता हूं और इस अवसर पर आयोजित हुनर हाट में आए हुए सभी हस्तशिल्पी कलाकारों और जितने भी यहां पर अन्य जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिभाशाली कलाकार हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए पूरे ब्रज क्षेत्रवासियों को ब्रजरस महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का आप सब आनंद ले पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। आप सब मेरे साथ बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, राधे रानी की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।